गाइस वेलकम बैक टू न्यू सीरीज। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं इस चैनल पे, और इसी की खुशी में मैंने इस सीरीज़ को कम्प्लीटली डिज़ाइन किया है। तो इसी में बेसिकली हम लोग क्रिएट करने वाले हैं एक एंड्रॉयड ऐप को, जहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे मल्टी मॉडलर अप्रोच का। तो बहुत लोगों की डिमांड थी कि मल्टी मॉडलर के बारे में, आप कैसे क्रिएट करते हो एप्लीकेशन, आसानी होती है, टफ होता है, क्या है, कैसे है। तो इसको ध्यान में रखते हुए मैंने इस पर्टिकुलर सीरीज़ को बनाया है। तो इस सीरीज़ में बेसिकली हम लोग क्या सीखेंगे, हम लोग सीखेंगे मल्टी मॉडलाइजेशन कैसे करते हैं एंड्रॉयड ऐप में। तो बेसिकली हमारे पास दो तरीके के मॉडलाइजेशन होते हैं, पहला होता है लेयर वाइज, सेकेंड होता है फीचर वाइज। तो हम लोग इस पर्टिकुलर सीरीज में फीचर वाइज मॉडलाइजेशन करेंगे। अब लेयर वाइज फीचर वाइज में डिफरेंस क्या है, वेल आप ऐसा समझिए कि आप कोई एंड्रॉयड ऐप डिज़ाइन करना चाहते हो और उसमें कोई एक पर्टिकुलर फीचर है, जैसे अपने केस में है न्यूज़ आर्टिकल। तो बेसिकली हम लोग एक स्क्रीन में पूरा न्यूज़ दिखाएंगे, सेकंड स्क्रीन में हम लोग यूज़र को एबिलिटी देंगे सर्च करने की। तो इसको अगर आप लेयराइजेशन से करोगे तो आपके पास तीन लेयर होते हैं बेसिकली, डेटा लेयर जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे डेटा को लाने के लिए, डोमेन लेयर जहाँ पर हम डेटा को मैनिपुलेट करते हैं जैसा हम चाहते हैं, डेटा अपने एंड्रॉयड ऐप में हम उस तरीके से उसको मैनिपुलेट करके अपने प्रेजेंटेशन लेयर को भेजते हैं। तो प्रेजेंटेशन लेयर का काम होता है सिंपली डेटा को शो करना, यूज़र को दिखाना। सेकेंड होता है फीचर वाइज मॉडरेशन। तो इसमें क्या होता है, अपने केस में से मैं आपको बताऊँ तो अपने पास दो स्क्रीन है, पहली स्क्रीन है न्यूज़ आर्टिकल जहाँ पर हम लोग दिखाएंगे नॉर्मली, सेकेंड स्क्रीन है जहाँ पर यूज़र को एबिलिटी देंगे सर्च करने की। तो अपने पास दो फीचर हैं, पहला है जहाँ पर हम न्यूज़ आर्टिकल दिखाएंगे, सेकेंड है हम जहाँ पर यूज़र को एबिलिटी देंगे सर्च करने की। तो अपने पास दो मॉड्यूल बनेंगे एक्चुअली, पहला मॉड्यूल होगा हमारा न्यूज़ के लिए, सेकेंड होगा हमारे सर्च के लिए। और इसके अंदर हम लोग यूज़ करने वाले हैं क्लीन आर्किटेक्चर पैटर्न का। तो क्लीन आर्किटेक्चर क्या होता है, कैसे होता है यार, उसको आप मेरे इस चैनल पर कोई एक प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर ऑलरेडी उस चीज़ को कवर कर रखा है क्लीन आर्किटेक्चर क्या होता है, कैसे हम लोग इसको यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम लोग यूज़ करने वाले हैं मॉडल व्यू, व्यू मॉडल पैटर्न। ऑफ कोर्स आपको ये सारी चीज़ें पता होंगी तभी आप इस वीडियो को देख रहे हो। और इसके अलावा हम लोग यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं कैशिंग को। तो हम लोग कैशिंग करेंगे विद द हेल्प ऑफ रूम। तो बेसिकली हम लोग न्यूज़ आर्टिकल में इस चीज़ को करने वाले हैं। और इसके अलावा हम लोग यहाँ पर ये भी सीखेंगे कि नेविगेशन करते हैं। ऑफ कोर्स जब दो एक्टिविटी है तो नेविगेशन तो करना ही पड़ेगा, तो नेविगेशन कैसे करते हैं इस पर्टिकुलर मल्टी मॉडलर अप्रोच में, ये भी हम लोग सीखेंगे। और इसके अलावा हम लोग यहाँ पर डैगर हिल्ट का यूज़ करेंगे, रेट्रोफिट का यूज़ करेंगे, ये सब चीज़ें बिल्कुल ही कॉमन है। अपार्ट फ्रॉम दिस हम लोग बिल्ड डॉट गेडल को मैनेज कैसे करते हैं अपने मल्टी मॉडलर अप्रोच में, ये भी हम लोग सीखेंगे। तो मैं यहाँ पर पर्टिकुलरली यूज़ करूँगा कॉटलिन डीएसएल का, केवल अपनी डिपेंडेंसी को मैनेज करने के लिए। होल प्रोजेक्ट में मैं यूज़ करूँगा ग्रूबी का, लेकिन अपनी डिपेंडेंसी को केवल मैनेज करने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा कॉटलिन डीएसएल का। ठीक है, इतनी चीज़ें हम लोग बेसिकली सीरीज में कवर करेंगे। हो सकता है मैं यहाँ पर कुछ स्किप कर रहा हूँ, लेकिन आपको सीरीज के दौरान सारी चीज़ों को बहुत ही ईजिली समझने को मिलेगा, बहुत ही सिंपल मैंने इस चीज़ को रखा है। थोड़ा सा मैं आपका प्री रिक्विजिट चाहता हूँ कि आप लोगों को कॉटलिन आती हो, आप लोग को फ्लो आता हो, आप लोग क्लीन आर्किटेक्चर से फैमिलियर हो एटलीस्ट, ताकि समझने में थोड़ी सी आसानी हो आपको। और लोग रेट्रोफिट को आपको आता ही होगा, डैगर हिल्ट आपको आना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको आती होगी, तभी आप इस पर्टिकुलर सीरीज को फॉलो कर रहे हो। ठीक है, अगर नहीं आती डोंट वरी, आप फॉलो कर सकते हो, आप समझ जाओगे कि कैसे हम इस चीज़ों को करते हैं। ऑल राइट, सो इतनी चीज़ें हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं अपने इस सीरीज़ में। उम्मीद करता हूँ आपको ये सीरीज अच्छी लगे, अच्छी लगी तो कमेंट वगैरह कर देना, और नहीं लगती तो बताना हम कैसे इसको और अच्छा कर सकते हैं। ऑल राइट, इससे पहले मैं आपको इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन का डेमो देना चाहता हूँ जिसको हम लोग क्रिएट करने वाले हैं। ऑल राइट, सो ये हमारा एप्लीकेशन है। आपके पास यहाँ पर एक स्प्लैश स्क्रीन होगी, उसके बाद आपको न्यूज़ आर्टिकल दिखेंगे, और ये न्यूज़ आर्टिकल लिमिटेड होंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग ग्लाइड का यूज़ किए हैं, लोडिंग इमेज लोडिंग के लिए हम लोग सर्कुलर प्रोग्रेस बार का यूज़ किए हैं। और इसके अलावा ये हमारा पहला मॉड्यूल है बेसिकली, जहाँ पर हम लोग न्यूज़ आर्टिकल को दिखाएंगे। सेकंड मॉड्यूल हमारा है सर्च। तो जब आप इस सर्च आइकन पर क्लिक करेंगे तो आप जाएंगे यहाँ पर सेकंड एक्टिविटी पर, जो कि बेसिकली सर्चिंग के लिए है। और यहाँ पर मैं यूज़ करता हूँ वर्ड टेस्ला का। तो टेस्ला के रिगार्डिंग जितने भी इंफॉर्मेशन होगी वो यहाँ पर मुझे रिसीव होगी। अपार्ट फ्रॉम दिस आप यहाँ पर डेट को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, डिस डेट रेंज की आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो लेट अस सपोज मैं चूज़ करता हूँ 1 सितंबर से 7 सितंबर तक, इसको सेव करता हूँ। उसके डिपेंडिंग ऑन दैट जो उस रेंज के अंदर न्यूज़ आर्टिकल होंगे वो मुझे यहाँ पर रिसीव होंगे और मैं उनको यहाँ पर देख सकता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल सा एप्लीकेशन है और इसी को हम लोग बेसिकली क्रिएट करने वाले हैं। तो हमारे पास यहाँ पर दो मॉड्यूल होंगे, ये हो गया हमारा पहला न्यूज़ मॉड्यूल जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, सेकेंड हो गया हमारा यहाँ पर सर्च मॉड्यूल। तो सर्च मॉड्यूल में आप सर्च कर सकते हो चीज़ों को। अपार्ट फ्रॉम दिस यदि मैं अपने इंटरनेट कनेक्टिविटी को यहाँ से हटाता हूँ, उसके बाद मैं इस ऐप पे अगेन आता हूँ, तो
आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा जो हमने कैश कर रखा है वो अभी रिजल्ट मुझे यहाँ पर दिख रहा है। आप यहाँ पर टोस्ट भी देख सकते हो जहाँ पर उसने सिंपली ये कहा है कि हम अनेबल टू फाइंड द बेसिकली जो हमारा बेस यूआरएल है वो, क्योंकि उसके पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन हम लोग डिज़ाइन करने वाले हैं और यहाँ पर आपको पता ही हम लोगों ने क्या क्या यूज़ किया है इस चीज़ को क्रिएट करने के लिए। मिलते हैं अपने पार्ट फर्स्ट में जहाँ पर हम लोग इस चीज़ को स्टार्ट करेंगे।